अब एक फोन घुमाओ घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओई मार्ट है आपके लिए तैयार। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप या वेबसाइट से करें बाजार मूल्य पर खुलकर खरीदारी, पाएं होम डिलीवरी। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप के सीधे व्हाट्सएप से करें संपर्क, सामान का लिस्ट या फोटो खींचकर भेजें, कराएं बुकिंग। संपर्क करें 8340371787 7325052437। जीएस न्यूज पर चल रहे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में आज का सवाल, सरकार की ओर से किस राज्य में 18 महीने के बाद 4G सेवा को बहाल कर दिया गया है? ए जम्मू कश्मीर, बी पंजाब, सी गुजरात या डी उत्तराखंड। वीडियो को रोककर अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। साथ ही सब्सक्राइब करें हमारे जीएस न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिले नोटिफिकेशन तुरंत। भागलपुर में अपराधियों द्वारा 1 किलो 800 ग्राम सोने की लूट। भागलपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र के सुजागंज बाजार, पंजाब नेशनल बैंक के समीप खलीफाबाग चौक और वैरायटी चौक के बीच में 1 किलो 800 ग्राम सोने की लूट अपराधियों द्वारा लूट ली गई है। लूटे गए सोना, लूट की कीमत लगभग 90 लाख रुपए का अनुमान लगाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि विशाल स्वर्णिका ज्वेलर्स के कर्मचारी सोना लेकर कलकत्ता से आ रहा था। इसी क्रम में घटना की ताक में बाइक पर सवार 4 अपराधियों द्वारा हथियार के बल पर ज्वेलर्स के कर्मचारी से सुजागंज बाजार, पंजाब नेशनल बैंक के समीप बैग में रखे सोने की लूट कर ली गई। वहीं अपराधी लूटने के बाद फरार हो गया। वहीं इस मामले को लेकर पुलिस छानबीन में जुट गई है। डिटेल्स तो आपको FIR में मिल जाएगा। लूट हुई है 80-90 लाख रुपए का। सोशलाइजेशन परेशान नहीं ना करेंगे भाई। कितने क्या लूट हुई है? जेवर कितने की लूट हुई, कीमत उसकी क्या है? अभी तो पूरा मूल्यांकन नहीं आया, लेकिन 80-90 लाख रुपए करीब आएगा। तो क्या घटनाक्रम, क्या घटनाक्रम बताइए। माल आ रहा था, रास्ते में लूट हो गया। कहाँ पर? पूजा प्रिया पायल। कौन लेकर आ रहे थे? हमारा स्टाफ लेके आ रहा था। कितने संख्या में अपराधी बताया जा रहा है? 4। कहाँ शोरूम है आपका? इनारा के सामने। क्या नाम है शोरूम का? विशाल सोनी का। जी आपका पूरा नाम हुआ? विशाल आनंद। ठीक का एकमात्र ऐसा स्थान जहां है आपके उत्सव मनाने का संपूर्ण समाधान, होटल फूड प्लाजा के सोना ओपन मैरिज गार्डन। नवगछिया का सबसे सस्ता और सबसे उत्तम व्यवस्था के साथ, जहां उपलब्ध है AC, नॉन AC कमरे, मंडप, बूफे काउंटर, हाई टी, DC फ्लोर, रोटेशन लाइट के साथ सभी आधुनिक व्यवस्था आपके लिए। आइए, आपका इंतजार है होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन, 0 माइल नवगछिया भागलपुर। संपर्क करें 9661904817 7992499821। नवगछिया किसान संगठन व विपक्षी दलों ने SP आवास के पास 1 घंटे NH 31 को किया जाम। तीनों कृषि कानून के खिलाफ देशव्यापी चक्का जाम के आह्वान पर शनिवार को नवगछिया SP आवास के सामने NH 31 को विभिन्न किसान संगठन के द्वारा जाम कर विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों द्वारा करीब 1 घंटे तक NH 31 पर आवागमन को पूरी तरह से बाधित कर दिया गया। प्रदर्शन में भाकपा माले, राजद, CPI, CPIM, कांग्रेस के अलावा मजदूर, किसान, छात्र, महिला संगठन की भागीदारी देखी गई। चक्का जाम का नेतृत्व अखिल भारतीय किसान महासभा के जिलाध्यक्ष विंदेश्वरी मंडल, इंकलाबी नौजवान सभा के राज्य सचिव गौरी शंकर राय, बिहार राज्य किसान सभा के जिला संयोजक निरंजन चौधरी, भाकपा के जिला सहायक मंत्री सीताराम राय, राजद के नौगछिया जिलाध्यक्ष अलग निरंजन पासवान, किसान प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष अरुण यादव, अखिल भारतीय किसान सभा के विमल किशोर पोद्दार, मनोहर मंडल संयुक्त रूप से कर रहे थे। मौके पर वक्ताओं ने कहा कि किसान आंदोलन देश में नई ऊंचाई ग्रहण कर रहा है। मोदी और योगी की तानाशाही के खिलाफ पूरा पश्चिम उत्तर प्रदेश उठ खड़ा हुआ। भाजपा के लोग दुष्प्रचारित कर रहे थे बिहार में किसान आंदोलन नहीं है। आज वे अपनी आंख से देख लें कि पंजाब, हरियाणा, UP, बिहार यानी पूरा देश मोदी सरकार के खिलाफ उठकर खड़ा हो रहा है। बिहार में MSP को कानूनी दर्जा देने और APMC एक्ट पुनर्बहाल करने की मांग भी पुरजोर तरीके से उठ रही है। वापस लो, वापस लो।
बारे में बताया जाए। मैं बिहार से कहना चाहता हूँ एकदम आइए कील गाड़ने से, सड़कों पर पहाड़ खड़ा करने से, सड़क खोदने से हिंदुस्तान का किसान, हिंदुस्तान का नौजवान कभी रुका नहीं। जब तक मोदी तीनों काला कानून वापस नहीं करते हैं, यहाँ हजारों भगत सिंह, खुदीराम बोस पैदा होंगे और मोदी को हिंदुस्तान से बाहर खदेर करके कर दिया जाएगा। परिचय दे दें सर। मैं बिंदेश्वरी मंडल। काजाम क्या है, इसके बारे में क्या बात करना चाहेंगे? अच्छा, काजाम तो आप सबको पता है कि किसान आज महीनों से धरना पर बैठे हुए है कि भाई ये तीन काला कानून है केंद्र के का किसान के खिलाफ, इसको वापस लेना है। उसी कड़ी में किसान संगठन के द्वारा आह्वान था कि चक्का जाम होना है, उसी कार्यक्रम में हम लोग यहाँ उपस्थित हुए थे और हमारा गठबंधन उसमें सहयोग कर रहा है। ये कहाँ पे हुआ? ये एसपी कोठी के सामने हुआ। मेरा नाम संजय कुमार मंडल है, मैं राष्ट्रीय जनता दल नगोछिया जिला इकाई का प्रधान महासचिव हूँ। ये तो एक झांकी है, ये एक झांकी है, आगे लड़ाई बाकी है। हम लोगों का आप देख रहे हैं कि हम अक्टूबर तक का प्रोग्राम बन चुका है। यदि मोदी जी या एमएसपी, यदि एमएसपी पर कानून नहीं बनता है और तीनों कानून नहीं हटाया जाता है, ये काले कानून, तो आप यह समझ लीजिए कि मेरा रूट चार्ट, मेरा कैलेंडर अक्टूबर तक का बना हुआ तैयार है और यह लड़ाई बहुत तेज होने वाला है। और बिहार में भी जिसको 2006 में ही नीतीश जी ने बर्बाद कर दिया था, अब हम लोग भी यह समझ गए हैं कि जो हमारे किसान वहां जमे हुए हैं, इसमें बिहार की भी 100% भलाई है। इनकलाब जिंदा। निरंजन चौधरी, बिहार राज्य किसान सभा, भागलपुर। आज जो आपको मालूम है कि आज 72 से 73 दिन बीत चुका है, जो दिल्ली में लगातार किसान विरोधी काला कानून, जो तीन कृषि कानून लाए जा रहे हैं उसी के खिलाफ, और किसान जिस तरीका से लगातार डटे हुए हैं मोदी सरकार को, उनसे वार्ता करने के बजाय एक लंबी लंबी बैरिकेड लगा रहे हैं। मतलब समझ रहा है कि देश का किसान ही सबसे बड़ा दुश्मन है। उसी के खिलाफ किसान संगठनों के आह्वान पर जो किसानों पर दमन ढाया जा रहा है, उसके खिलाफ किसान संगठनों के आह्वान पर देशव्यापी चक्का जाम के तहत आज नवगछिया में किसान संगठनों ने चक्का जाम किया और चक्का जाम के जरिए मोदी सरकार को सचेत किया। मोदी सरकार से कहा कि अविलंब किसान विरोधी तीनों काला कानून वापस लो, नहीं तो उस लड़ाई को और आगे बढ़ाया जाएगा। निर्णायक आंदोलन, मोदी सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ेगा किसान। नाम परिचय? गौरी शंकर, राज्यसभा सचिव, इनकलाबी नौजवान सभा। लालचंद जी, मैं विमल पुद्दार, CPIM से। मैं कहना चाहूँगा सरकार से, किसान का ये तीनों बिल वापस बोलिए, किसान सभा से मैं बोल रहा हूँ, समन्वय समिति से, तीनों काला कानून वापस ले। हम लोग आज से ही हर गांव, हर पंचायत में घूमेंगे और संगठन को तैयार करके इससे बड़ी लड़ाई लड़ेंगे। किसानों के समर्थन में हम लोग हर हमेशा तैयार रहें। राजद नगछिया किसान सेल के अध्यक्ष अरुण कुमार यादव, मैं कहना चाहूँगा कि जब तक ये तीनों कानून किसान विरोधी है, जब तक आपस नहीं लेते हैं, तब तक हम लोग संघर्ष जारी रखेंगे और आगे भी रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में। नवगछिया एसपी सहित 40 कर्मियों को लगाया गया कोरोना का टीका। नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल में शनिवार को पुलिस विभाग के 40 पुलिस कर्मियों को कोविड-19 की वैक्सीन का टीका लगाया गया। सर्वप्रथम नवगछिया एसपी सुशांत कुमार सरो स्वास्थ्य कर्मी द्वारा गोविंद लाइन का टीका लगाया गया है। टीकाकरण के बाद एसपी ने कहा कि यह टीका काफी सामान्य है और पूरी तरह से सुरक्षित भी है। नवगछिया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के स्वास्थ्य प्रबंधक ओम गुप्ता ने बताया कि शनिवार को पुलिस प्रशासन के 40 कर्मियों का टीकाकरण किया गया है। विवाह भवन 0 Mile NH 31 नवगछिया। शादी, विवाह, सालगिरह, रिंग सेरेमनी, जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन एवं मीटिंग के लिए जरूर पधारे। 5300 वर्ग मीटर का हॉल, ताकि आप अपने परिवार के साथ बैठकर ले आनंद। ग्लास मिरर वॉल,
ताकि अंदर से ले बाहर की खूबसूरती का नजारा। पूर्णतया वातानुकूलित सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। संपर्क सूत्र 9931092632 9534316464 8406949533 नवगछिया का सबसे सस्ता सबसे अच्छा विवाह भवन। नवगछिया पुरस्कृत किए गए नवगछिया के स्टेशन अधीक्षक। नवगछिया स्टेशन पर यात्री और मालवाहक ट्रेनों का बेहतर टर्मिनल डिस्टेंशन किए जाने पर नवगछिया के स्टेशन अधीक्षक नंद किशोर तिवारी को महाप्रबंधक स्तर का पुरस्कार पटना में आयोजित एक समारोह में सोनपुर रेल मंडल के GM ललित चंद्र त्रिवेदी ने दिया है। जानकारी मिली है कि सोनपुर रेल मंडल में महज 3 कर्मियों को उनके बेहतर कार्य के लिए पुरस्कृत किया गया है। रेलवे का दावा है कि श्री तिवारी के अथक प्रयास से मक्का लदान में 184% और विविध आय में 15% की बढ़ोतरी हुई है। श्री तिवारी ने गाड़ियों का संरक्षित परिचालन सुनिश्चित करते हुए विलंबन में 50% कमी लाया है। स्टेशन अधीक्षक नंद किशोर तिवारी की उक्त उपलब्धि पर रेल कर्मियों और नवगछिया के प्रभुजनों ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उन्हें बधाई दी है। भाजपा नगर में 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन। भारतीय जनता पार्टी नवगछिया नगर में 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ शनिवार को नवगछिया के गोपाल गौशाला में नगर अध्यक्ष कौशल जायसवाल की अध्यक्षता में आयोजित की गई। प्रशिक्षण शिविर के पहले दिन सर्वप्रथम शिविर का विधिवत उद्घाटन जिला अध्यक्ष विनोद मंडल, पूर्व सांसद अनिल यादव, पूर्व जिला अध्यक्ष सुबोध सिंह कुशवाहा, जिला उपाध्यक्ष अजय कुशवाहा सहित कई अन्य भाजपा नेता ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। प्रशिक्षण शिविर के पहले दिन 4 सत्रों में राजेश यादव, श्री किशोर झा, सुबोध सिंह कुशवाहा, मनोज पांडे ने अलग अलग सत्रों में कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया। रविवार को 3 सत्रों में प्रशिक्षण के बाद प्रशिक्षण शिविर का समापन किया जाएगा। सुंदरम अहुना मटन बिहार का सुप्रसिद्ध एवं पूर्वी चंपारण का नॉन वेज टेस्ट अब आपके शहर नवगछिया के सुंदरम अहुना मटन में। हांडी मटन एवं चिकन के विभिन्न एवं बेहतरीन स्वाद के लिए सुंदरम का तीसरा ब्रांच आपके लिए तैयार है। सुंदरम अहुना मटन नवगछिया स्टेशन चौक राजेंद्र कॉलोनी मोड़ नवगछिया। नव वर्ष 2021 पर अहुना मटन एवं चिकन की खरीदारी पर भारी छूट पाने के लिए जरूर पधारे। संपर्क सूत्र 8603493747। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। नवगछिया रंगराज थाने के थाना अध्यक्ष बने जनवरी माह के सर्वश्रेष्ठ थाना अध्यक्ष। नवगछिया के SP सुशांत कुमार सरोज ने रंगराज थाना के थाना अध्यक्ष महताब खान को जनवरी माह के सर्वश्रेष्ठ थाना अध्यक्ष का पुरस्कार दिया है। नवगछिया के SP ने जानकारी देते हुए बताया कि कांडों के निष्पादन, वंचित अपराधियों की गिरफ्तारी, बरामदगी और विभिन्न तरह के चेकिंग अभियान में अवर निरीक्षक महताब खान ने बेहतर प्रदर्शन किया है। इधर रंगरा के कई बुद्धिजीवी लोगों ने बताया कि उन लोगों को रंगरा थाना अध्यक्ष महताब खान से आए दिन और ज्यादा बेहतर पुलिसिंग की उम्मीद है। SP सुशांत कुमार सरोज ने पुलिस सभा आयोजित कर पुलिस जिले के पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस कर्मियों की समस्याओं को सुना। इस दौरान पूर्व के पुलिस सभा में उठाए गए समस्याओं का समाधान करते हुए नए समस्याओं का हल हेतु संबंधित शाखा को निपटारा करने हेतु लक्ष्य दिया गया है। नवगछिया छठे दिन नवगछिया में इंटर की परीक्षा कदाचार मुक्त संपन्न। नवगछिया में 6 केंद्रों पर चल रही इंटर की परीक्षा छठे दिन शनिवार को भी शांतिपूर्ण एवं कदाचार मुक्त वातावरण में संपन्न हुई। दोनों पालियों में हुई परीक्षा में कुल 1579 परीक्षार्थी में से 1566 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए, जबकि कुल दोनों पालियों में कुल 13 परीक्षार्थी परीक्षा से अनुपस्थित रहे। कोमल होटल स्टेशन चौक नवगछिया। नवगछिया का मटन स्पेशलिस्ट, शुद्ध शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन का उत्तम व्यवस्था, मीट मुर्गा मछली अंडा सहित सादा भोजन, रोटी चावल पनीर तड़का दही कोल्ड ड्रिंक ठंडा इत्यादि उपलब्ध है। होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 9934622095। मटन स्पेशलिस्ट नवगछिया का कोमल होटल। जन अधिकार पार्टी ने सड़क जाम कर किया प्रदर्शन। 3 कृषि कानून के विरोध में और किसान आंदोलन के समर्थन में पूर्व घोषित चक्का जाम कार्यक्रम के तहत रंगरा के मुरली चौक पर शनिवार को जन अधिकार पार्टी की नेत्री जिला पार्षद सवन आजमी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय राजमार्ग 31 पर कुछ देर के लिए जाम कर दिया। इस अवसर पर जिला पार्षद सवन आजमी ने कहा कि सरकार की मंशा को सफल नहीं होने दिया जाएगा। दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों को उनकी पार्टी खुला समर्थन दे रही है। वहीं इस अवसर पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी के जिला अध्यक्ष नीरज कुमार, उपाध्यक्ष विकास कुमार, पप्पू कुमार सहित कई अन्य मौजूद थे। मामला मुखिया पुत्र पर जानलेवा हमले का हिरासत में लिए गए सोनू राय को भेजा गया जेल। नवगछिया के पकड़ा पंचायत की मुखिया कदम देवी के पुत्र कुमार गौरव उर्फ कुमोद यादव पर हुए जानलेवा हमले के मामले में
मगसिया पुलिस ने हिरासत में लिए गए नामजद आरोपी और मुख्य आरोपी राजकिशोर राय उर्फ विलरिया उर्फ जोटाना के पुत्र को शनिवार की सुबह न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। अब घटना का मुख्य आरोपी सातिर विलरिया राय पुलिस के टॉप टारगेट पर है। थाना अध्यक्ष शैलेश कुमार के नेतृत्व में संभावित ठिकानों पर छापेमारी भी की गई है। इधर घटना के 3 दिन बाद घायल कुमार गौरव के पिता अशोक शर्मा ने मामले की प्राथमिकी नौगछिया थाने में दर्ज कराई है। दर्ज प्राथमिकी में पकड़ा गांव के सातिर बिलरिया राय, उसके पुत्र सोनू कुमार, ललन राय, सोहन राय, मलिक राय, शंकर राय, अमर राय उर्फ ढोकल राय, झाबू राय और लूटन राय को नामजद किया गया है। अशोक शर्मा ने दर्ज प्राथमिकी में पुलिस को जानकारी देते हुए बताया कि उनका पुत्र घर पर काम करवा रहा था। इसी क्रम में उपरोक्त आरोपी ने उसके पुत्र पर जानलेवा हमला कर दिया, जिससे उसके पुत्र को गोली लग गई है। अशोक शर्मा का आरोप है कि बिलरिया राय की पत्नी भी वर्ष 2016 में मुखिया की प्रत्याशी थी और वह पराजित हो गई थी। पिछले दिनों बिलरिया मुखिया पद पर खड़ा न होने के लिए दबाव डाल रहा था। बिलरिया ने पिछले दिनों 5 लाख की रंगदारी मांगी थी और नहीं देने पर उसके पुत्र के साथ मारपीट गाली गलौज करते हुए घर पर गोली भी चला दी थी। डर के मारे वे उक्त घटना का जिक्र थाना आकर नहीं कर सके। नवगछिया में मास्क और वाहन जांच अभियान में 9,000 रुपए की वसूली। नवगछिया पुलिस ने वारा थाना क्षेत्र में सघनता पूर्वक मास्क और वाहन जांच अभियान चलाया है। पुलिस ने मास्क नहीं पहने कुल 70 लोगों से 3,500 रुपए और कुल 8 वाहन चालकों से 5,500 रुपए जुर्माने की वसूली की है। नवगछिया SP सुशांत कुमार सरोज के निर्देश पर विभिन्न थाना क्षेत्र में रोजाना मास्क जाँच अभियान चलाया जा रहा है। रंगरा एक साथ चलाया गया मास्क और वाहन जांच अभियान, 1,600 रुपए जुर्माने की हुई वसूली। नवगछिया के रंगरा पुलिस ने थाना क्षेत्र के विभिन्न जगहों पर एक मास्क और वाहन जांच अभियान चलाया है। थाना अध्यक्ष महताब खान ने जानकारी देते हुए बताया कि मास्क जांच अभियान में पुलिस ने मास्क नहीं पहनने 10 लोगों से 500 रुपए और यातायात कानून का उल्लंघन करने वाले एक वाहन चालक से 1,000 रुपए जुर्माना वसूल किया है। जानकारी दी है कि रंगरा के मदरौनी कुमारपुर चौक रंगरा चौक पर मास्क और वाहन जांच अभियान एक साथ चलाया गया था। नवगछिया के रंगरा प्रखंड अंतर्गत मानस ज्ञान यज्ञ की तैयारी पूरी, ग्रामीणों की समीक्षा बैठक। रंगरा के सरस्वती हाट तीन डेंगा दियारा उत्तर में रविवार से शुरू होने जा रहे अखिल भारतीय मानस ज्ञान यज्ञ के 54वें ज्ञान अधिवेशन की सभी प्रकार की तैयारी पूरी कर ली गई है। जानकारी देते हुए आयोजन मंडल के महंत सुरेश दास ने कहा कि रविवार को सुबह 7 बजे कलश यात्रा और देर शाम उत्तर प्रदेश के झांसी से आई मालती मानस रामायण और अयोध्या धाम से आए नारायणी त्रिपाठी और राम टहल दास जी का प्रवचन कार्यक्रम होना है। यह आयोजन 7 फरवरी से शुरू होकर 9 फरवरी तक चलेगा। आयोजन की सफलता को लेकर ग्रामीणों की एक समीक्षा बैठक शनिवार को देर शाम आयोजित की गई, जिसमें कई तरह की तैयारी की चर्चा की गई। आयोजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालु और साधु संत शिरकत करेंगे। गोपालपुर पैक्स चुनाव प्रत्याशियों को प्रतीक चिन्ह आवंटित। पैक्स चुनाव हेतु सभी प्रत्याशी को चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिया गया है। वीडियो सह निर्वाचन पदाधिकारी प्रियंका ने बताया कि सैदपुर पैक्स के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी अभय कुमार को मोतियों की माला, विभास कुमार भारती को ब्लैक बोर्ड छाप आवंटित किया गया है। उन्होंने बताया कि सदस्य पद के सभी उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। तिनटेंगा करारी पैक्स अध्यक्ष पद के लिए अमित कुमार को मोतियों की माला, अनंत यादव को ब्लैक बोर्ड व मुकेश यादव को किताब छाप आवंटित किया गया है। बाबू टोला कमलाकुंड पैक्स अध्यक्ष पद के लिए पूनम देवी को मोतियों की माला, मुकेश यादव को ब्लैक बोर्ड व सुमकी देवी को किताब छाप आवंटित किया गया है। वीडियो सह निर्वाचन पदाधिकारी प्रियंका ने बताया कि फॉर्म पूरा नहीं होने के कारण मकनपुर पैक्स का चुनाव पुनः रद्द कर दिया गया है तथा सुखतिया बाजार पैक्स हेतु सभी सदस्य निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। उन्होंने बताया 15 फरवरी को मतदान व मतदान के बाद मतगणना का परिणाम घोषित कर दिया जाएंगे। वाणी विवाह भवन 0 माइल NH 31 नवगछिया। शादी विवाह, सालगिरह, रिंग सेरेमनी, जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन एवं मीटिंग के लिए जरूर पधारें। 5300 वर्ग मीटर का हॉल ताकि आप अपने परिवार के साथ बैठकर ले आनंद। ग्लास मिरर वार ताकि अंदर से लें बाहर के खूबसूरती का नजारा। पूर्णतया वातानुकूलित सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। संपर्क सूत्र 9931092632, 9534316464, 8406949533। नवगछिया का सबसे सस्ता सबसे अच्छा विवाह भवन। कोमल होटल स्टेशन चौक नवगछिया। नवगछिया का मटन स्पेशलिस्ट, शुद्ध शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन का उत्तम व्यवस्था। मीट मुर्गा मछली अंडा सहित सादा भोजन, रोटी चावल पनीर तड़का दही
कोल्ड ड्रिंक, ठंडा इत्यादि उपलब्ध है। होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 9934622095। मटन स्पेशलिस्ट नवगछिया का कोमल होटल। सुंदरम अहुना मटन, बिहार का सुप्रसिद्ध एवं पूर्वी चंपारण का नॉन वेज टेस्ट। अब आपके शहर नवगछिया के सुंदरम अहुना मटन में हांडी मटन एवं चिकन के विभिन्न एवं बेहतरीन स्वाद के लिए सुंदरम का तीसरा ब्रांच आपके लिए तैयार है। सुंदरम अहुना मटन, नवगछिया, स्टेशन चौक, राजेंद्र कॉलोनी मोड़, नवगछिया। नव वर्ष 2021 पर अहुना मटन एवं चिकन की खरीदारी पर भारी छूट पाने के लिए जरूर पधारें। संपर्क सूत्र 8603493747। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। नवगछिया का एकमात्र ऐसा स्थान जहां है आपके उत्सव मनाने का संपूर्ण समाधान। होटल फूड प्लाजा के सोना ओपन मैरिज गार्डन, नवगछिया का सबसे सस्ता और सबसे उत्तम व्यवस्था के साथ, जहां उपलब्ध है एसी, नॉन एसी कमरे, मंडप, बुफे काउंटर, हाई टी, डीसी फ्लोर, रोटेशन लाइट के साथ सभी आधुनिक व्यवस्था आपके लिए। आइए, आपका इंतजार है। होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन, 0 माइल, नवगछिया, भागलपुर। संपर्क करें 9661904817799249981। अब एक फोन घुमाओ, घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओई मार्ट है आपके लिए तैयार। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप या वेबसाइट से करें बाजार मूल्य पर खुलकर खरीदारी, पाए होम डिलीवरी। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप के सीधे व्हाट्सएप से करें संपर्क, सामान का लिस्ट या फोटो खींचकर भेजें, कराएं बुकिंग। संपर्क करें 8340371787 7325052437। खुल गया आवासीय स्कूल ऑफ एक्सलेंस, फुलडोभी गेराबाड़ी, कटिहार, नियर वासंतिक नवरात्र मंदिर, राजपूत मंदिर। सीबीएसई पाठ्यक्रम पर आधारित 25 दिसंबर से नामांकन प्रारंभ है। कक्षा प्री नर्सरी से 8वीं तक रहने खाने पढ़ने सहित कंप्यूटर एवं अंग्रेजी स्पोकन की विशेष व्यवस्था। संपर्क करें रणवीर कुमार झा 8051550121, AK झा 9472833513।